नेहा कक्कड़ सिंह जन्म 6 जून 1988 एक भारतीय पार्श्व गायिका व पार्श्व गायक टोनी कक्कड़ और सोनू कक्कड़ की छोटी बहन है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही धार्मिक आयोजनों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। 2005 में उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में भाग लिया। उन्होंने फिल्म मीराबाई नॉट आउट में कोरस गायिका के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। वह कॉकटेल के डांस ट्रैक सेकंड हैंड जवानी की रिलीज के साथ प्रमुखता से उभरी, जिसके बाद कई लोकप्रिय पार्टी गाने आए, जिनमें यारिया सनी सनी और 2014 साउंड ट्रैक एल्बम क्वीन से लंदन ठुकरदा शामिल है। पार्श्व गायन के अलावा कक्कड़ कई संगीत वीडियो और इंडियन आइडल सहित कई टेलीविजन रियलिटी शो में जज के रूप में दिखाई दी है। 2019 में कक्कड़ को 13.9 मिलियन व्यूज के साथ यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली महिला कलाकारों में सूचीबद्ध किया गया था। जनवरी 2021 में वह यूट्यूब डायमंड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय गायिका बनी। वह स्पॉटिफाई पर सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली महिला भारतीय कलाकार और वैश्विक स्तर पर 22वीं सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली कलाकार है। वह 2017 और 2019 में इंडियन पॉप सेलिब्रिटी शो में दिखाई दी। पॉप स्टार एशिया के 100 डीजे सितारों की सूची में दिखाई दी। कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को उत्तर प्रदेश राज्य ऋषिकेश में हुआ था। 1990 के दशक की शुरुआत में कक्कड़ अपने परिवार के साथ गायन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली चली गई। कक्कड़ ने 4 साल की उम्र में स्थानीय समारोह और धार्मिक आयोजनों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। 2004 में वह अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मुंबई चली गई। 2006 में 18 साल की उम्र में कक्कड़ ने इंडियन आइडल के दूसरे सीजन के लिए ऑडिशन दिया, जहां वह शो से पहले ही बाहर हो गई। नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ पर कई मौकों पर कई भारतीय क्लासिक गीत सदस्य और सदरों की चोरी करने का आरोप लगाया गया। कई भारतीय क्लासिक और पॉप गाने जैसे कविता कृष्णमूर्ति का तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त और टिप टिप बरसा पानी, हिम्मत जैसीमा का आशिक बनाया आपने, फाल्गुनी पाठक का याद किया कि आने लगी, लता मंगेशकर की काटा लगा, अलका याग्निक की चम्मा चम्मा, पूर्णिमा का चलती है क्या, 9 से 12, पायल देव की सावन में लग गई आग और कई अन्य गाने। हाल ही में उन्होंने भारतीय क्लासिक गायिका फाल्गुनी पाठक की मैंने पायल हे चनकाई की पूरी थीम और सामंजस्य की चोरी की और सोजन नामक एक संस्करण का रीमेक बनाया। मूल पार्श्व गायकों और प्रशंसकों द्वारा मूल पद क्लासिक रीमेक बनाना बंद करने की कई अपील और अनुरोध के बाद भी कक्कड़ के अनुरोधों का सम्मान नहीं करते और